ओके जी, सो ये है मेरा पेस्ट, ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स। तो ये है मेरा बिफोर पैक वाला फेस और ये है मेरा आफ्टर फेस पैक वाला फेस। और अब मैं ये लगाऊंगी। यू कैन यूज ब्रश और जस्ट फिंगर। मेरे पास अभी कोई ब्रश वश तो है नहीं, सो मैं नॉर्मल अपने फिंगर से ही लगाती हूँ। थोड़ा सा मैसी हो जाता है लेकिन चलता है। सो जस्ट बी केयरफुल, मैं अपने नाइट गाउन में ही हूँ। इंग्रीडियंट्स मैं आपको जरूर बताऊंगी, सब कुछ घर में, एवरीथिंग इज एट होम एंड वेरी सिंपल। आई ऑलवेज डू दिस, लाइक वीकेंड में मैं अपना फेस पैक, मास्क ये सब तो करती रहती हूँ। डू दिस लाइक वंस इन अ वीक, समटाइम्स 3 to 4 टाइम्स इन अ मंथ और मे बी इवन 6 टाइम्स, क्योंकि 4 हफ्ते तो होते हैं। सो जब मूड हुआ मैं करती हूँ। सो दिस इज फेस पैक इज गुड फॉर एनी स्किन टाइप। यू हैव ड्राई स्किन, ऑयली, सेंसिटिव, एक्ने प्रोन, फेस को बहुत अच्छा ठंडा कर देता है। अब मैं थोड़ा सा नेक पे भी लगाती हूँ एंड ये बहुत सिंपल है, सब कुछ घर में ही। ये है वो फेस पैक एंड नाउ आई वेट फॉर, अभी हुआ है 10 मिनट्स है 6 o'clock को। ये कितना टाइम लगाता है ड्राई होने के लिए, आई विल जस्ट कीप फॉर 15-20 मिनट्स। सो 6:10 में मैं वापस आती हूँ। अब तो मैं रोबोट जैसे बात करूँगी क्योंकि यहाँ पे सब सूख गया है। सिर्फ ये ज़्यादा लगे इसलिए ये गीला है, पर यहाँ पे सब सूख गया है किंतु ये गीला है। तो ये सब छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो गए, अब मैं फेस वॉश करके आ जाती हूँ। ओके जी, तो ये है लाइव रिजल्ट। मैं सीधा मुंह धो के ही आई हूँ, इट्स सो क्लियर। अब भी ट्राई करना एंड गो चेक आउट द इंग्रेडिएंट्स। ये पैक के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 3 चीज़ें जो मैंने बताया है, वो है चावल का आटा। सो ये मैंने लिया है फ्रॉम फ्रेश बास्केट, ये कोई भी मॉल से मिल जाएगा। तो मैं लूँगी 1 स्पून राइस फ्लावर। ये है मेरा गेहूँ का आटा। ये जी ये देखो, ये मैंने लिया है गेहूँ का आटा 1 स्पून। ये लिया है ये अमूल का दूध, आपके पास कोई भी दूध है, ये बॉईल किया हुआ नहीं है, ये नॉर्मल दूध है। 1 to 2 to 3 स्पून डालेंगे उस जिस हिसाब से आपको थिकनेस चाहिए। पहले मैंने 2 स्पून लिया और अब मैं देखती हूँ कितने थिकनेस चाहिए, उस हिसाब से आप ले लेंगे। देखो ये बहुत गाढ़ा हो गया तो मैं और थोड़ा डालूंगी। ठीक है जी, फिर चेक करती हूँ। एकदम थोड़ा सा पेस्ट काइंड ऑफ टेक्सचर चाहिए जो हम फेस पे लगा सकते हैं। जिन्ना फिर भी मैं थोड़ा सा और डालती हूँ। तो दिस इज ऑलमोस्ट 4 to 5 भी नहीं हुआ है, 4.5 स्पून हो चुका है। सो ये है वो पेस्ट, मिरेकल पेस्ट जो मैंने आपको दिखाया। फेस ज़रा भी ड्राई नहीं लग रहा है, इट्स आई एम ऑलरेडी फीलिंग मॉइस्चराइज बिकॉज इसमें दूध था, मिल्क एंड राइस फ्लावर और वीट। राइस फ्लावर ऑल्सो ब्राइटन्स योर फेस एंड वीट इज ऑल्सो वर्क्स एज अ स्क्रबर। सो आपको जब निकालना है तो जस्ट थोड़ा सा वापस से पानी स्प्रिंकल करके उसको वेट होने देना, फिर अपने हाथों से स्क्रब करना अच्छे से ताकि जो भी डर्ट है, गंक है फेस पे, सब निकल जाए। सो वीट की वजह से स्क्रब हो जाता है एंड राइस एंड मिल्क मॉइस्चराइजर्स एंड गिव्स ब्राइटन। सो कैन यू सी माई फेस इज सो क्लियर राइट नाउ। So, अब भी ट्राई करना एंड सो डू लेट मी नो इफ यू ट्राई दिस मास्क एंड शेयर योर फीडबैक ऑन इंस्टाग्राम।